network device in computer network. Network device, what is network device? Network device होता क्या है? Network device वो चीज़ होती कि जो चीज़ हम लोग hardware को, दो hardware को communicate करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Network device बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास दो hardware हैं, एक hardware ये है और एक hardware ये, इसका हम बोलेंगे H1 बोल नाम दे दें, इसका H2 नाम दे दें। अभी हमारे पास दो hardware हैं, इन दोनों को हम लोग कम्युनिकेट करना है, आपस में कम्युनिकेट कराना है, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग कम्युनिकेट क्यों कराते हैं, क्योंकि ये डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे के पास, ठीक। तो जिस चीज़ को हम लोग कनेक्ट कराएंगे इन दोनों के इस्तेमाल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, डिवाइस को डी से डिवाइड कर दिए हम लोग ने। डिवाइस यहाँ पे कोई भी हो सकती है, हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, रिपीटर हो सकता है, राउटर हो सकता है, गेटवे हो सकता है, ये टाइप्स हैं डिवाइस के। तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस की क्या होती है? नेटवर्क डिवाइस और नेटवर्क हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन हार्डवेयर। हम लोग नेटवर्क डिवाइस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को कम्युनिकेशन करना होता है किसी भी हार्डवेयर के बीच में, और डेटा को ट्रांसफर करते हैं हार्डवेयर टू हार्डवेयर, ठीक। अगर टाइप की बात करें यहाँ नेटवर्क डिवाइस की, यहाँ पे बहुत सारे टाइप मिलते हैं। पहला होता है हब होता है, स्विच होता है, राउटर है, ब्रिज है, गेटवे है, रिपीटर है, ठीक। पहले बात कर लेते हैं हम लोग हब की, कि हब हमारे पास क्या होता है। अगर हम लोग डायग्राम देखें, हमारे पास ये डायग्राम में यह छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे होंगे, ये क्या है? पोर्ट है। हम लोग क्या करते हैं, जो हब होता है क्या हो, मल्टीपल कंप्यूटर मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट करते हैं विद द हब। हब और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है हब में, वो होती है स्टार टोपोलॉजी। क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी। अगर हम हब की बात करें, हब कैसे काम करता है वो समझते हैं। अगर हम लोग हब की बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, हब है। एक यूजर ये है, एक यूजर ये है, इसमें चार यूजर हमारे पास, ठीक। ये हमारे पास क्या है, हब है, यहाँ पे हब लिख देते हैं। और ये हमारे पास यूजर वन है, ये यूजर टू है, ये यूजर थ्री है, और ये यूजर फोर है, ठीक। ये हमारे पास चार यूजर हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं किसके साथ, हब के साथ। ये किस वे में कनेक्ट हैं, आप ये देख सकते हैं, ये जो किस वे में कनेक्टेड है, ये स्टार टोपोलॉजी के यूज करते हैं। किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं। स्टार टोपोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, हम लोग कनेक्ट करने के लिए यूजर को किसके साथ, हब के साथ, ठीक। मान लीजिए यूजर वन को हमको डेटा को ट्रांसफर करना है, तो डेटा ट्रांसफर करेगा यूजर वन, तो सबसे पहले ये डेटा कहाँ जाएगा, ये डेटा हब के पास जाएगा, ठीक। ये डेटा हब के पास जाएगा, और डेटा किसको ट्रांसफर करना है, यूजर फोर को डेटा ट्रांसफर करना है, इस यूजर को डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक। तो क्या करेगा, हब के पास जाएगा, हब में उसका जो कनेक्ट होगा, जो डिवाइस कनेक्ट होगी उसका इस्तेमाल लेगा। जो डिवाइस कनेक्ट होगी किसके थ्रू होगा, वायर के थ्रू होगा, ठीक। तो क्या करेगा, डेटा यहाँ आ गया, यूजर वन सेंड किया, और ये हब के थ्रू यूजर फोर के पास डेटा को चला गया। बट जो डेटा ट्रांसफर करता है यूजर वन, वो क्या को किस फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करेगा, हब, वो पैकेट के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हब के साथ है, हब डेटा को फिल्टर नहीं करता, जिस तरह डेटा यूजर वन से आता है उसी तरह डेटा यूजर फोर को या किसी और डेटा को, यूजर को जब डेटा सेंड होता है तो उसी फॉर्म में होता है डेटा, वो डेटा को फिल्टर नहीं करता, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, वो है नेटवर्क हब इज अ वन काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अ वेरियस नेटवर्क होस्ट। बहुत सारे नेटवर्क होस्ट के साथ कम्युनिकेट करता है, जो ये पोर्ट दे रहे हैं, ये हम लोग के पास सारे यहाँ पे यूजर कनेक्ट होंगे विद द लैन केबल जो होते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको। और क्या करता है, ये कनेक्ट कम्युनिकेट करेगा और क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो डेटा ट्रांसमिट होगा किस फॉर्म में होगा, आपको बता दिया हमने, फॉर्म ऑफ पैकेट के फॉर्म में होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी बता दिया हमने कि जो डेटा होगा वो क्या होगा, विदाउट फिल्टर। जो क्या होगा मतलब, हब कैन नॉट फिल्टर द डेटा, ठीक। तो जो डेटा होता है, डेटा पैकेट आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। मतलब अगर डेटा यूजर वन ने डेटा भेजा, तो यूजर हब क्या है, अगर हब यूजर फोर को डेटा सेंड करना चाहता है,
तो जितने यूजर इससे कनेक्ट होंगे, जितने हब हाँ इससे नेटवर्क कनेक्ट होंगे, डिवाइस कनेक्ट होंगी, उसके पास भी वो डेटा पैकेट क्या होगा, जाएगा। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं यूजर जो हब होता है हमारा डेटा को फिल्टर नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड जो इसकी डिवाइस क्या है, स्विच के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्विच होता है वो क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट ब्रिज होता है। ठीक, जो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग, बूस्ट करने के लिए करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं, और इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें हम लोग का क्या, ये हमारे पास क्या है, स्विच है, ये कनेक्ट है सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे। और जो स्विच होता है क्या है, डेटा लिंक लेयर होता है, लिंक लेयर डिवाइस होता है। क्या होता है, डेटा इज अ लिंक लेयर डिवाइस। अब इसकी हम लोग अगर बात कर लेते हैं, इसका थ्योरी की बात कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये सिमिलर टाइप हब होता है, इट आल्सो वर्किंग ऑन लैंड लेयर इन द लैंड एंड, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, आल्सो वर्किंग एट लेयर इन द लैंड, अ स्विच इज अ मोर क्लेवर एज कंपेयर टू हब। ठीक, जो सेकंड पॉइंट है इसका क्या है, अ हब इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा। ठीक, ये वो भी हब हमारा क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफरिंग करता है। और यहाँ पे जो डेटा, एक जो इसमें खाली चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हब और स्विच में डिफरेंस क्या होता है, जो हब क्या होता है हमारे डेटा को फिल्टर नहीं करता था, जो स्विच है कि हमारा क्या डेटा को फिल्टर करता है जब डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेटा, स्विच इज यूज फॉर फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग रेड से कलर हाईलाइट कर लेते हैं। और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है हब और स्विच में वो सिर्फ यही होता है कि ये एक तो सेम एज इट इज हब की तरह काम करता है, और ये स्विच जो हमारा काम करेगा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो जो स्विच का काम क्या होता है, डेटा को फिल्टर करता है। ठीक, बट जो हमारा हब क्या करता था, डेटा को फिल्टर नहीं करता था। जो स्विच का जो थर्ड पॉइंट है, सो दिस इज मोर क्लेवर टेक्निक टू डील विद डेटा पैकेट। ठीक, आपको सभी पता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे आकर राउटर की बात कर लेते हैं कि राउटर हमारा क्या होता है। तो राउटर देखो, जो डिवाइस होती है आपस में सब लोग कोरिलेटेड हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से सिमिलैरिटी मिलती रहती है। ठीक, तो राउटर क्या हमारे पास क्या है, राउटर भी एक क्या टाइप का, एक टाइप का क्या होता है, ये स्विच होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो डेटा को जो ट्रांसफर करते हैं, जो डेटा कहाँ जाना है, किस यूजर के पास जाना है, वो काम करता है राउटर। ये इसमें आईपी का बहुत बड़ा रोल होता है, आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस आईपी एड्रेस में अगर यूजर वन डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है, मान लीजिए वहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसको रिड्यूस कर दें, मान लीजिए इसको राउटर ही मान लेते हैं। ये हमारे पास, अब बात कर लीजिए, ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है। क्या करता है, डेटा को जब ट्रांसफर करना होता है ना, इसके यूजर बनाकर डेटा को ट्रांसफर करेगा यूजर फोर के साथ, तो हमारे पास यूजर फोर की आईपी होगी। यूजर फोर की क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, आईपी होगी, इसकी आईपी एड्रेस होगा। किसके पास होगा, राउटर के पास होगा। तो यूजर क्या करेगा, यूजर पर डेटा सेंड करेगा, तो राउटर को पता होगा कि ये यूजर फोर को सेंड करना चाहता है। तो यूजर जो राउटर होगा उसमें क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा किसकी, यूजर फोर की। तो उसके जो डेटा यूजर वन है, डेटा कहाँ ट्रांसफर कर सकता है, यूजर फोर के पास। बट जो बाकी सब में क्या होता था, हब में क्या होता था कि डेटा क्या होता था, जब ट्रांसफर होता था यूजर वन डेटा ट्रांसफर करता था, तो हर जो डिवाइस के पास डेटा पैकेट को भेज देता था, सेंड कर देता था। बट ऐसा राउटर में नहीं है, राउटर में आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। यूजर फोर के जहाँ जिसकी आईपी एड्रेस डिफाइन होगी उसी में डेटा जाएगा, बाकी कोई डिवाइस में डेटा नहीं जाएगा। जो राउटर होता है बेसिकली कनेक्ट किसके साथ होता है, दो चीजें के साथ कनेक्ट होता है, लैन कनेक्ट होता है, वैन कनेक्ट होता है। अब इसकी अब थ्योरी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें थ्योरी क्या है, और नेटवर्क राउटर इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क डिवाइस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर राउटिंग ट्रैफिक फॉर मोर देन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक, सेकंड पॉइंट की बात करें, टू नेटवर्क could be a privately to public company network। ठीक, दोनों नेटवर्क हैं क्या, ये प्राइवेट हो सकते हैं,
प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी नेटवर्क भी हो सकते हैं। ठीक, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि अ राउटर इज अ कंसीडर्ड एज अ ट्रैफिक पुलिस एट अ जंक्शन, ही डायरेक्ट एंड डिसेमिनेट ट्रैफिक नेटवर्क टू डिसेमिनेट डायरेक्शन। ठीक, आपको बता दिया कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, आईपी के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, कौन सा यूजर जब डेटा सेंड करेगा तो उसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक, ये राउटर का बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रिज की, बात कर लेते हैं कि ब्रिज क्या होता है। आपको बता दें कि जैसे कि आपने देखा जो स्विच होता है और अब जो पढ़ने जा रहे ब्रिज होता है, ये क्या होता है, ये ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर में के साथ ऑपरेट करते हैं। स्विच भी हमारा क्या करता था, डेटा लिंक लेयर डिवाइस के साथ क्या करता था, ऑपरेट करता था। ठीक, तो यहाँ हब भी क्या है, एक यही है, ये भी किसके साथ ऑपरेट करेगा, डेटा लिंक लेयर के साथ ऑपरेट करेगा। इसमें जो क्या होता है, अगर ब्रिज की बात करें, इसमें क्या होता है, एक इट हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट। ठीक, एक इनपुट होगा, एक इनपुट के लिए होगा, एक क्या होगा, एक हमारा आउटपुट के लिए पोर्ट होगा। ठीक, अगर इसकी बात करें यहाँ पे क्या, एक इनपुट के लिए होगा, एक आउटपुट के लिए होगा। जो इसको जो कनेक्ट करते हैं, जब ब्रिज को हम लोग कनेक्ट करेंगे ना, तो कनेक्ट किसके साथ होगा, लैन के साथ कनेक्ट होगा। और जो 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 लैन कनेक्ट होंगे, जो लैन कनेक्ट होंगे सेम प्रोटोकॉल पे कनेक्ट होने चाहिए। मान लीजिए जो हमारा लैन है, अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास एक यूजर है, एक यूजर टू है। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, ब्रिज है। ठीक, और ये कनेक्ट है, तो जो जो कनेक्ट होगा लैन के साथ, तो यूजर कनेक्ट होंगे, ये सेम प्रोटोकॉल पे कनेक्ट हो गए। ठीक, एक जो पोर्ट होगा वो क्या किसके लिए, इनपुट के लिए होगा, दूसरा जो पोर्ट होगा वो क्या किसके लिए होगा, आउटपुट के लिए होगा। मतलब इट हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट। ठीक, और इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इंटर कनेक्टिंग टू लैन वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। मतलब जो दो लैन कनेक्ट होगी, इंटर कनेक्टिंग होगी आपस में, वो सेम प्रोटोकॉल पे कनेक्ट होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, अब इसमें बात कर लेते हैं डेटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं। अगर यूजर वन है, यूजर टू है, डेटा ट्रांसफर होगा तो किसकी हेल्प से ट्रांसफर होगा, मैक की हेल्प से ट्रांसफर होगा। मैक क्या होता है, इसमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मतलब जो डेटा ट्रांसफर करेंगे सोर्स टू यूजर, मतलब अगर यूजर वन हमारा क्या है, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स मतलब जो डेटा सेंड करना चाहता है, सोर्स है ये, और ये हमारा क्या डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ पे डेटा हमको सेंड करना चाहता है। ये डेटा तभी सेंड करेगा जब इसको क्या होगा, मैक एड्रेस पता होगा। ठीक, मैक एड्रेस क्या करता है, ठीक, मैक एड्रेस का डेटा ट्रांसफर करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और जो ब्रिज का इस्तेमाल क्या होता है, ब्रिज एक रिपीटर की तरह काम करता है। ब्रिज इज अ रिपीटर विद एड ऑन अ फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग द कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और किस लिए यूज करते हैं इसको हम लोग, डेटा को ट्रांसफर करते हैं कहाँ कहाँ, सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब यूजर वन से यूजर टू को हम लोग क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक, MAC। वो क्या करता है कि कंटेंट को क्या करता है, फिल्टर करेगा बाय रीडिंग मैक। ठीक, फिल्टर मतलब समझ लीजिए कि मतलब उसका मैक एड्रेस पता होगा और वो डेटा एग्जैक्ट डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना चाहता है, उसी डेस्टिनेशन में ट्रांसफर होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक यूजर और कनेक्ट होगा, यूजर थ्री कनेक्ट होता, ठीक, ये हमारा क्या यूजर थ्री, अगर इसके साथ कोई कनेक्ट होता तो क्या, बेसिकली और ये यूजर थ्री है, अगर यूजर वन हमारा डेटा ट्रांसफर करना चाहता है यूजर टू को, बट मैक एड्रेस क्या करेगा, इसके हेल्प से कंटेंट को रीड करेगा और फिल्टर करेगा कि जिसका मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल है उसी डेस्टिनेशन पे वो डेटा जाएगा, बल्कि ना कि X3 पे वो डेटा जाएगा। ठीक, बट जो हमारा अगर हम लोग बाकी डिवाइसेज से कोरिलेट करें, तो हमारा क्या था, हब क्या था, अगर हम लोग डेटा ट्रांसफर करते थे यूजर वन से यूजर टू को, तो डेटा कहाँ भी जाएगा, डेटा U3 पे भी, मतलब यूजर थ्री पे भी वो डेटा पैकेट जाता था। ठीक, और इसका जो हेल्प हम लोग ने सॉल्व किया वो किसमें किया, राउटर में। राउटर क्या करता था, आईपी एड्रेस के लिए इस्तेमाल करता था डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और अभी हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, ब्रिज हमारा क्या करता है, मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ब्रिज इज अ कंप्यूटेड नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू यूनिट टू मोर नेटवर्क सेगमेंट। ठीक, दो या दो से मोर सेगमेंट हमारे कनेक्शन कनेक्ट होंगे। तो मेन फंक्शन क्या होता है ब्रिज का, ये क्या करता है, स्टोर एज वेल एज
ट्रांसमिट फ्रेम अमंग द वेरियस सेगमेंट, तो क्या कहता है स्टोर करता है डेटा को और मतलब और क्या कहता है डेटा को भी ट्रांसमिट करता है। ये किसके इस्तेमाल करता है, ब्रिज के इस्तेमाल करता है, मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ये हमारा ब्रिज क्या करता है, सॉरी ब्रिज हमारा काम किस तरह काम करता है, रिपीटर के थ्रू काम, रिपीटर के लिए काम करता है। ब्रिज द रिपीटर ही होता है, ब्रिज द रिपीटर। ठीक, अगर हम लोग आगे बात करें, अब रिपीटर क्या होता है, रिपीटर अगर बात करें, रिपीटर बेसिकली हम लोग फिजिकल लेयर में काम करते हैं। फिजिकल लेयर हमारा क्या करता है, अगर हम लोग OSI के मॉडल की बात करें उसमें फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर में अगर कहीं भी हमारा डेटा वीक हो जाता है, अगर मतलब बहुत दूर तक मतलब डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो डेटा बीच में क्या हो गया वीक हो गया, तो उस डेटा को मतलब लोग फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, रिपीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, ऑपरेटिंग ऑफ रिपीटर कैन बी डन एट अ फिजिकल लेयर, आपको पता चल गया फिजिकल लेयर में काम कर यूज करते हैं। अगर हम लोग इसको हाईलाइट कर दें, फिजिकल लेयर में इस्तेमाल करते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है हमारा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डिवाइस इज टू रिप्रोड्यूस अ सिग्नल ऑन सिमिलर नेटवर्क बिफोर द सिग्नल गेट वीक। मतलब सिग्नल वीक होने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग, अगर मान लीजिए इजी लैंग्वेज अब बात करें और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, इसका डायग्राम देखें तो हमारे पास एक ये सिग्नल है, एक ये है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक पोर्ट होगा हमारा इनपुट के लिए, हम लोग लेते हैं वो एक साइड का और इसे कनेक्ट करते हैं, और इस साइड से हम लोग उसको यहाँ से एक इनपुट आएगा और यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे। तो अगर बात करें ये हमारा जो का एक जो सिग्नल आ रहा है, ये हमारा लाइन आ रहा है, ठीक, या इसमें कनेक्ट होगा इसके साथ, ठीक, इसके साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करेगा, इसमें रिप्रोड्यूस सिग्नल करेगा, और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको बात कर लेते हैं हम लोग गेटवे की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग गेटवे की बात करें, गेटवे हमारा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं नेटवर्क टू दो नेटवर्क को क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं इस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। ठीक, ये डेटा को मान लीजिए अगर हम लोग ये गेटवे लगा हुआ है हमारे पास, ये गेटवे है, ये यूजर वन है, और ये हमारे पास क्या है यूजर टू है। अगर हम लोग इसमें क्या होता है, दो सिस्टम आपस में क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। ठीक, दो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, सिस्टम की बात नहीं कर रहे हम लोग, दो नेटवर्क कनेक्ट होता है टुगेदर, और डिफरेंट मॉडल में काम करते हैं, ये वर्क ऑन अपॉन डिफरेंट मॉडल में काम करते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें कि आप बाकी डिवाइस में क्या है, ये जो गेटवे है हमारा मोर कॉम्प्लेक्स है, इससे स्विच से हमारा कॉम्प्लेक्स है, और अगर बात करें राउटर से हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लोग इसको बात करें गेटवे के और किस नाम से जानते हैं, गेटवे और एक और नाम से भी बोलते हैं इसको, प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं इसको। क्यों प्रोटोकॉल कन्वर्टर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी नेटवर्क लेयर में ऑपरेट कर सकता है, गेटवे किसी भी नेटवर्क लेयर में ये ऑपरेट किया जाता है। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, क्योंकि डेटा को ट्रांसफर करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। ठीक, ये मोर कॉम्प्लेक्स देन होता है, जैसे स्विच और राउटर के लिए इसका प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हर लेयर पे काम करती है। तो आज के लिए इतना ही।